चलिए आपको दिखाते हैं इलाहाबाद का स्क्रैप मार्केट। खत्म खत्म गाड़ियां खड़ी हैं इधर। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं नैनी ब्रिज में। तो ये मेरे को पड़ा है एसी कंट्रोल पैनल, बम्पर अपने को पड़ा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप पे निकले हैं। तो ये लॉन्ग ट्रिप होने वाली है लगभग अप डाउन 250 किलोमीटर की। हम लोग जा रहे हैं घर से प्रयागराज और सामने एक टोल प्लाजा आ चुका है। और इस टोल प्लाजे में कितना पैसा लगने वाला है कुछ मालूम नहीं, लगता है बंद है इसका सिस्टम। बाकी अपन जा रहे हैं किसी काम से, काम बहुत बड़ा है, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे। तो ये है प्रवेश, क्या बोलते हैं लेन। चलो भैया इस पे सामने दिखाओ, जल्दी से कैप्चर करें और पैसा कट करें। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सर जी ने खोल दिया और अपन निकल लिए हैं। अब यहाँ से जो प्रयागराज की दूरी है ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर होगा। और अपना जो काम होने वाला है कार से रिलेटेड भी है, थोड़ा बाइक से रिलेटेड है, तो दोनों काम करने वाले हैं। बाकी अपन अकेले तो नहीं है, कई लोग हैं अपने साथ, हो गया जा रहे हैं। सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप लोगों को देखने में मज़ा आता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ये सब मुश्किल भरा काम करता रहता हूँ। तो चलिए सफ़र के मज़े लीजिए और वीडियो में बने रहिए। अपनी विस्टा इतनी पावरफुल हो चुकी है ना, देख सकते हैं बेहतरीन एसी वगैरह चल रही है। एसी के साथ हम यहाँ हुंडई की i20 को बीट करने वाले हैं 80 की रफ्तार में, क्योंकि ये भैया ज़्यादा तेज चला नहीं पाएंगे, इनकी माइलेज बहुत कम देती है। और हमारे में तो आप देख सकते हैं माइलेज भरा पूर, मीन्स क्या है, इसमें पेट्रोल लबालब भर चुका है। डीजल पेट्रोल नहीं, पेट्रोल की आदत पड़ गई है जब से बाइक चलाने लग गए, तो डीजल इसमें अच्छा खासा भरवा लिए हैं। और बाइक भी, कार भी चल रही है 80 की स्पीड में, बाइक का नाम आ जाता है। वो तीन लोग हैं और प्रयागराज की खूबसूरती का आनंद लेने जा रहे हैं। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर है आज। तो अभी मैं आया था टाटा शोरूम में, पड़ता है कहाँ, दादूपुर में। और यहाँ पे आया था मैं अपनी विस्टा का डीजल एयर फिल्टर लेने, ऑयल फिल्टर। तो बोल रहे हैं काउंटर सेल नहीं होती। खत्म खत्म गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, चलो कहीं खरीद लूँगा यार, ऐसे थोड़ी ना कि एजेंसी बस में मिलता है कोई चीज़। जीपी मोटर्स और ये इलाहाबाद रोड पे पड़ता है। तो मेरी कार का क्या होता है, एयर फिल्टर कल पानी में भीग गया था, जिस वजह से मैं सोचा यहीं से ले लेता हूँ। तो ये लोगों की नौटंकी थी, बोले काउंटर सेल नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं आगे से ले लेंगे। तो अभी अपन पहुँच चुके हैं नैनी ब्रिज में। ये पुराने ज़माने वाली ब्रिज है जिसपे नीचे नीचे देख सकते हैं फोर व्हीलर्स वाहन चलते हैं और ऊपर ट्रेन की पटरी है, लेकिन मैं आपको कैसे दिखाऊँ वो नहीं दिख पाएगा। बाकी ये जाने के लिए अलग से है और आने के लिए इस साइड आप देख सकते हैं। और नीचे फिर अपनी गंगा नदी है, यमुना नदी है, मेरे को नहीं मालूम, हो सकता है यमुना नदी हो, अच्छे से तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यमुना नदी इसको बोलते हैं। पुरानी जो ये नैनी ब्रिज बनी है इसी पे बनी है और अभी इस पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से इसकी कुछ हालत सही नहीं है। बाकी देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, पुराना लोहा है, जंग नहीं खाया, ये तो बात मैं मान सकता हूँ, अंग्रेजों के ज़माने की पुल है। और लेकिन अभी इसकी हालत उतनी सही नहीं है यार, नहीं देख रहे किस तरह सड़कें हो गई अंदर की, मेरे को ऐसा तो ये डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाले हैं इसको, कर भी सकते हैं क्या पता, क्योंकि जानते हो इसकी अगर उम्र हो गई होगी तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और हो सकता है रिनोवेशन भी कर दें, क्योंकि दिस इज अ यूपी गवर्नमेंट इन हैंड योगी आदित्यनाथ, समझ रहे हो ना, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल नेता है। और अभी अपने को देखने को मिल रहा है जगह जगह सीढ़ियाँ जो कभी पहले बनी नहीं थी। ये भी महंगा फोन, अरे कैमरा कुछ दिख नहीं रहा, सुनी जी पर तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कीटगंज इलाहाबाद में। अपनी गाड़ी के लिए थोड़ा सा एक बम्पर देखने जा रहा हूं फ्रंट वाला। चलिए आपको दिखाते हैं इलाहाबाद का स्क्रैप मार्केट, जा रहे हैं देखते हैं अगर मिल जाएगा गाड़ी का बम्पर सही रेट में। तो सोच रहे हैं बम्पर और ये जो एसी का कंट्रोल मॉड्यूल है, इसकी बटन खराब है, तो इसको भी ले लूंगा अगर मिल जाएगी तो। भाई साहब कीटगंज का रास्ता बताने के लिए भाई मिले हैं कुछ, ये देख सकते हैं। तो अभी अपन तो ढूंढ रहे हैं, रास्ता मिल नहीं पा रहा, बार बार भटक जा रहे हैं। तो अभी हम तनी सा वीडियो बना रहे हैं यूपी के, भैया यहाँ मिल रहा है जामा, ये
देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम है। यही हम कहीं पता करेंगे कि अपने को बम्पर मिलेगा कि नहीं। बिस्टा का मेरे बम्पर। हाँ ओ अंकल, टूटा भी है भैया। अब नीचे का इतना देखिए क्या ऊपर प्रेस है, ये देखिए कि कहीं से आपको डैमेज नहीं मिला। नीचे का तो अब इतना नहीं कर सकते पुराने, आपको सब चीज पूरा कंप्लीट मिल रहा है। ये नीचे का है, आप ये देखिए ऊपर से देखिए पहले, ऊपर से कहीं डैमेज दिखा वो तो नीचे का। अब नीचे का क्या कर लोगे आप, नीचे का कोई चीज नहीं बता सकते पट्टी भी। भैया नहीं है आप वाले में होगी, अपनी लगवा लेना। मेरे वाले में नहीं है। नहीं है तो ये भी हटा देना और खा, ये गंदा लगने लग जाएगा पूरा। ये जो है आपके सामने है पुराना जी, कोई पट्टी से विंटर का लगा देगा। क्या प्राइस बनाए हैं इसका? 2000 रुपये। जिस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे मैं एक रेट बोलूँ आप, अगर आपको पड़ेगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो मैं आपका टाइम बर्बाद ना मेरा। नहीं यही बात हमें करना ठीक ना। मैं इसका 1000 रुपये आपको दे दूँगा, मैं इसी कंडीशन में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों को अचानक से मूड बना के चलते हैं गंगा जी नहाने, क्योंकि जैसे कि हम लोग प्रयागराज में हैं आए तो यहाँ किसी भी तरह का माहौल ही नहीं है। देखिए ना पूरा अंधेला अंधेला, बस ब्रिज के साइड अच्छा दिख रहा, बाकी और एक पीछे और कहीं भी मतलब उतना माहौल नहीं लग रहा है। देखिए ना पूरा अंधेला कर दिए हैं, पहले बहुत बढ़िया लगता था, तो अभी हम लोग इन्हें नहाए ही जा रहे हैं। मतलब इतनी गर्मी है यूपी में, जैसे कि एमपी में अभी बारिश होने लग गई है लेकिन यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम लोग हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास और यहाँ से वापस जा रहे हैं। सामने नौलखा मंदिर दिख रही है लेकिन गोप्रो में रात में उतना बढ़िया कैप्चर नहीं हो पाता जो डे में होता है। अब देखिए बहुत से लोगों को ये लगेगा कि आप गंगा जी आए और गंगा स्नान नहीं किया, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। बाकी आप चाहे नहाएं चाहे ना नहाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने दर्शन कर लिया और ये मान लिया कि हम पवित्र हो गए। ये जो जो सामान हमने लिया, आपने देखा कि आपके सामने ही हमने लिया है और बाद में उसकी वीडियो आई पूरा डिटेल से। अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो अभी अपन आ गए हैं जीवन ज्योति पुलिस चौकी के पास और यहाँ पे आए थे हम लोग थोड़ा सा ऐसे कुछ काम था। यहाँ पे देख सकते हैं जीवन ज्योति पुलिस चौकी और ये अपनी खड़ी है बिस्टा और इसका बम्पर बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। ये थोड़ा सा एक टायर दिक्कत दे रहा है हमारे, तो जो नया टायर हमने डलवाया था उस पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हवा कम हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। बाकी और सब कुछ सही है। रात के चालू हो जाओ, रात के देख सकते हैं 10:07 हो चुके हैं। अभी भी हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज का माहौल काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन इन्फॉर्मेटिव तो है दोस्त। पिछली वीडियो में कि मैंने निकाला है यहाँ का एसी कंट्रोल पैनल और उसकी कहानी क्या थी, तो उसकी कहानी अब आगे है। तो मैं जैसे पूरा आपको दिखाया वीडियो में कि मैं कहाँ कहाँ गया, प्रयागराज गया, वहाँ फिर स्क्रैप मार्केट गया और ये बम्पर खरीदा मैं वहाँ से, और बम्पर के साथ साथ ये एसी कंट्रोल पैनल भी खरीदा। इसका प्राइस भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कितने का है। तो ये एसी कंट्रोल पैनल है, एक मेरा खुद पुराना वाला है, ये जो खराब हुआ पड़ा है इसकी ये बटन काम नहीं करती है, देख सकते हैं बाहर आ जाती है। लेकिन जो ये कंट्रोल पैनल मैं खरीदा, अब ये कंट्रोल पैनल में भी दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इसके सभी बटन प्रॉपर काम करते हैं। प्राइस भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, प्राइस जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे आप लोग। और बहुत ही सस्ते में मैंने खरीदा है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बम्पर भी सस्ते में ही खरीदा है। तो बम्पर अच्छे क्वालिटी का है, टॉप मॉडल का है, मांजा का है और इस पर बढ़िया क्रोम वाली ग्रिल भी लगी है। तो ये जब इसमें मैं पेंट वेंट करवा लूँगा तो इसका लुक अच्छा आने लग जाएगा, क्योंकि अभी ये ग्रे कलर में है जैसा कि आप सभी ने देखा था। और ये मैं बाहर निकाल के अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि गाड़ी में फिट है, जब मैं लगवाने ले जाऊंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बात करता हूँ एसी कंट्रोल पैनल की। ये मेरा पुराना वाला है इधर का और इसका ये सब कुछ काम करता है प्रॉपर, ये भी काम करता है, मतलब इसको पकड़ के रखना पड़ता है तब ये सब काम करता है। और इसका क्या है, ये इसमें जो ये रिसर्कुलेशन बटन है ये काम नहीं करती और एसी वाली बटन काम करती है, सब कुछ काम करता है। मैं इस पर लगा के इसके कपलर्स जो हैं दोनों ये लगा के मैं वहाँ पे चेक कर लिया था, जब इंस्टॉल करूँगा फिर भी मैं फिर आपको दिखा दूँगा। तो अभी मेरे को क्या करना है
कि इसकी जो बटन है ये पूरा मतलब पैनल है, बटन दोनों बटन इसमें लगाना है जो मैं अभी लेके आया हूँ। बहुत बड़ा टॉस्क है, मैं अभी इसको खोलूंगा, इसको भी खोलूंगा, फिर इसकी बटन निकाल के इसमें लगाऊंगा, तो हो सकता है मेरा काम हो जाए। अब बात करते हैं प्राइस की, तो ये मेरे को पड़ा है एसी कंट्रोल पैनल 300 रुपये का, क्योंकि थोड़ा सा इसमें खराबी है यहाँ पे। अगर ये बन जाता है तो सही है, नहीं तो ये मान के चलिए 300 रुपये गए। और बम्फर की बात करूँ तो बम्फर अपने को पड़ा है 1200 रुपये में। तो अभी आप बताइएगा कि ये मैं स्क्रैप से जो भी सामान लिया महंगा है कि सस्ता है, जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा। और जब भी आप लोग भी कुछ खरीदने जाएं तो थोड़ा बार्गेनिंग अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि वो पुराने सामान का भी बहुत रेट बताते हैं, तो आप लोगों को लगेगा अरे यार लूँ कि ना लूँ। एक झटके में निराश नहीं होना है, उनसे अच्छे तरीके से बार्गेनिंग करना है, फिर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो केवल इतनी सी ही थी, आगे वाली जो वीडियो आएंगी उनमें आपको मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।